नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के आंकड़े जारी हुए हैं, इनमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, उज्जैन शहर को कौन सा अवार्ड मिला है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष से की गई है। हमारा ऑप्शन है वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 या वर्ष 2017। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार देश के बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बड़े राज्यों में जिनमें 100 से अधिक शहर हैं, इनमें मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। पिछले साल मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर था? तो पिछले साल मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था और पिछले साल छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल को देश में स्वच्छता की स्वसंवनीय राजधानी का पुरस्कार भी दिया गया है और राजधानी देश की सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित हुई है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। इसमें इंदौर शहर लगातार छठवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर है एवं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई आया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भोपाल को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छठवा स्थान। इसमें भोपाल को छठवा स्थान मिला है। इसके अलावा जो 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण था, इसमें भोपाल सातवां स्थान था। इसमें एक अंक की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब यह सातवें स्थान से छठवें स्थान पर आ गया है। पांचवा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश का प्रथम 7 स्टार रेटिंग वाला शहर कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश का प्रथम शहर बना है जिसे 7 स्टार रेटिंग मिली है और इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर भी घोषित किया गया है। छठा प्रश्न है, गार्बेज फ्री सिटी व वाटर प्लस में भोपाल को कितने स्टार रेटिंग मिली है? तो भोपाल को मिली है 5 स्टार रेटिंग। कचरा मुक्त शहरों यानी कि गार्बेज फ्री शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को 5 स्टार रेटिंग मिली है और भोपाल में सीवेज का जो पानी है इसे साफ कर मछली पालन का काम किया जा रहा है और गार्बेज फ्री श्रेणी में भोपाल को 1250 अंक में से 1050 अंक मिले हैं। इसी आधार पर ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 16 पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को 16 पुरस्कार मिले हैं और ये 16 पुरस्कार नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किए गए हैं 1 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शहरों को दो दो पुरस्कार मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल और उज्जैन को दो दो पुरस्कार मिले हैं और 2022 का जो है स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें देश भर के 4355 शहरों ने अलग अलग श्रेणियों में भाग लिया है। इन 4355 शहरों में जो हमारा इंदौर शहर है ये लगातार 6 साल से पहले स्थान पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का सिटीजन फीडबैक का सम्मान किस शहर को मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा को। 1 लाख से लेकर 3 लाख जनसंख्या के शहरों की श्रेणी में देश का सिटीजन फीडबैक का सम्मान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर को मिला है। 10वां प्रश्न है, 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी वाले शहरों में स्वसंवनीय शहर का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है मुंगावली को।
और जो ये मुंगावली है ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेस्ट जोन में 50,000 से लेकर 1,00,000 जनसंख्या श्रेणी के शहरों में स्वशमनीय शहर का सम्मान किसे मिला है? इसमें जो ये जनसंख्या थी ये 15,000 से 25,000 थी, और इसमें बेस्ट जोन में 50,000 से 1,00,000 की जनसंख्या है, और इसका जो सम्मान है ये मिला है खुरई को। और जो एक खुरई है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में महू कैंट को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो महू कैंट को मिला है देश में तीसरा स्थान। और इसके अलावा जो महू है इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी वाले शहरों में सबसे तेजी से बढ़ते शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्लागंज को। अब्दुल्लागंज को मिला है 15,000 से लेकर 25,000 जनसंख्या वाले शहरों में सबसे तेजी से बढ़ते शहर का अवार्ड। और ये कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 15,000 से कम जनसंख्या वाले श्रेणी के जो शहर हैं इनमें सबसे तेजी से बढ़ते शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है फूपकला को। और फूपकला किस शहर में स्थित है, सॉरी किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। 15वां प्रश्न है, 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का सम्मान किस शहर को मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेटलावद। और ये पेटलावद मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये झाबुआ जिले में स्थित है। इसे सर्वश्रेष्ठ नवाचार का सम्मान दिया गया है। 16वां प्रश्न है, इंडियन स्वच्छता लीग में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान किसे मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्त दो यानी कि उज्जैन और खजुराहो दोनों को यह सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर एवं छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंडियन स्वच्छता लीग में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान मिला है। 17वां प्रश्न है, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता का सम्मान किस शहर को मिला है? तो ये मिला है उज्जैन शहर को। और उज्जैन को इस बार दो पुरस्कार भी मिले हैं। ये वापस आते हैं अपने प्रश्न पर जो हमने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था कि भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2016 से। तो ये था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में एक छोटा सा वीडियो कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है और उसे कौन सा अवार्ड मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।